स्थानीय तहसील मुख्यालय पवई के छत्रसाल स्टेडियम ग्राउंड में पिछले 15 दिनों से चल रहे स्वर्गीय पंडित दयाशंकर लटोरिया स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन पवई विधायक प्रहलाद लोधी के मुख्य अतिथि एवं नगर परिषद अध्यक्ष बसंत हायत की अध्यक्षता तथा नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती छोटे राजा वसुंधरा राजे की विशिष्ट अतिथ्य तथा जन भागीदारी अध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल मंडल अध्यक्ष गुलाब मधु सोनी पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अजय देव बुंदेला मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव एवं ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे जमुना खटीक देवी खटीक पार्षद महिला मोर्चा अध्यक्ष निधि पटेरिया मीना सोनी पार्षद जफर खान पार्षद संतोष कुशवाहा राम भगत कुशवाहा दर्जन भर से अधिक अतिथियों की उपस्थिति एवं दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम में विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। शुक्रवार को निर्धारित समय 2 बजे दोनों ही टीमें पवई एकादश एवं खरमोरा विस्फोटक मैदान में पहुंची। फाइनल मुकाबला निर्धारित 16 ओवरों के मैच में जहां पर पवई एकादश ने टॉस जीता तथा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 16 ओवर के मैच में 3 गेंद शेष रहते हुए पवई एकादश 97 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें सर्वाधिक रन पवई एकादश तरफ से बल्लेबाज संदीप खटीक का 20 रनों का योगदान रहा। खरमोरा विस्फोटक टीम की तरफ से जय सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, वहीं 97 रनों का लक्ष्य खरमोरा विस्फोटक के सामने रखा, जिसका पीछा करने उतरी खरमोरा विस्फोटक ने 13 ओवर 3 बॉल खेलते हुए 5 विकेट खोकर 97 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए आसानी से 98 रन बनाकर खिताब अपने नाम कर लिया, जिसको 6 विकेट से यह फाइनल मुकाबला जीत लिया एवं पंडित दयाशंकर लटोरिया टेरिस बॉल टूर्नामेंट ट्रॉफी पर दूसरी बार ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया एवं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा विजेता को 41,000 एवं विजेता को 21,000 नगद राशि भी दी गई एवं स्वर्गीय पंडित दयाशंकर लटोरिया की स्मृति में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में प्रमुख आयोजक मनीष लटोरिया तथा जन सहयोग से संपन्न हुए इस वृहद आयोजन में विजेता टीम को 41,000 रुपए तथा चमचमाती ट्रॉफी भेंट की गई। साथ ही उपविजेता टीम को 21,000 की नगद राशि के साथ चमचमाती ट्रॉफी भेंट की गई। इसके अलावा दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का सम्मान भी उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। विधायक ने दिए 5 लाख बनेगा प्रवेश द्वार। आज इस गरिमामय समारोह में पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने छत्रसाल स्टेडियम के भव्य प्रवेश द्वार के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि 2 माह के अंदर गेट का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में विशेष सहयोग करने वालों में प्रमुख रूप से रविशंकर सिंह, आदित्य सिंह कमेंटेटर की भूमिका में कुलदीप खटी, स्कोरर रिहान खान, रामेश्वर पटेल, विशेष सहयोग महेंद्र रजक के साथ अन्य दर्जनों लोगों को टूर्नामेंट आयोजक कमेटी द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जय सिंह को मिला, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार ऑलराउंडर का प्रदर्शन कर खरमोरा विस्फोटक को जीत सहरा बांधा। इस टूर्नामेंट में आयोजक सहित खेल कमेटी, खेल प्रेमियों के साथ जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। खेले जा रहे पंडित स्वर्गीय दयाशंकर लटोरिया जी की स्मृति में सबसे पहले तो मैं यहाँ की आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने एक सफल कार्यक्रम हो जाए तो उसकी बड़ी कोई चीज, तो मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ये सफल कार्यक्रम हुआ है, उनका क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ है। इससे एक पारिवारिक ऊर्जा वर्ती जो दूर दूर में होते हैं खेलो इंडिया या खेलो प्रदेश में खेल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा रहती है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की मंशा रहती है। तो इससे एक परिवार की जो दुनिया होती है खेलों में हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इस महाकुंभ में जैसे कई गांव के लोग आए थे, आए हमारे मुझे लगता है कटनी से लेके भी खिलाड़ी रहे, पूरे क्षेत्र के खिलाड़ी भी रहे, दर्शक भी रहे, तो एक परिवार जैसा मिलन हुआ। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं को भी कि जिन्होंने अच्छी कवरेज करके वो सभी ने सहयोग किया है। यहाँ की पूरी टीम को चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे यहाँ के अध्यक्ष जी हो, चाहे यहाँ के उपाध्यक्ष जी हो, सभी समाज सेवियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विधायक जी मंच के दौरान कुछ घोषणा की है आपने, बताया मैं दे चुका हूँ 5 लाख इसको दे चुका, 5 लाख मंदिर के गेट को, अभी देखूंगा क्या पहले में कुछ नहीं आता था।
बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ और जो उनके द्वारा ये सबसे बड़ा सहयोग था कि एक बड़ी राशि उनके द्वारा प्रदान की गई और बाकी के काफ़ी सहयोग रहा और ख़ास करके जो कमेटी के द्वारा रविशंकर सिंह, आदित्य बिरला, प्रमोद पटेल और उन नामों के लिए जो नाम शायद मैं नहीं ले पाया जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस ग्राउंड के लिए भी, इस टूर्नामेंट के लिए भी, तो वो हृदय से उनका मैं सम्मान करता हूँ। और ये हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है, जैसे कि दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद होती है, वैसे ही हमारे यहाँ ये टूर्नामेंट होता है, उसमें सारे लोग आपस में मिल लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट का आयोजन हमारे जूनियर भी जो भी आते हैं वो भी इस परंपरा को बराबर बढ़ाए रखें और जो मेरे से सहयोग बनेगा इस टूर्नामेंट के लिए, आगे टूर्नामेंटों के लिए, ग्राउंड के लिए, वो मैं करूँगा। मेरे साथी, मेरे सीनियर्स, मुझे जो पहले हमारे सीनियर्स बतलाते थे कि हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं था और उन्होंने भी काफ़ी आंदोलन करे, उनके आंदोलन को देखकर हम लोगों ने भी आंदोलन किए, हमारे साथी भाई प्रमोद पटेल, रविशंकर सिंह, आदित्य बिरला और ये बड़े भाई की तरह भी ट्रीट किया और इन्होंने हमारे प्लेयरों की तरह भी ट्रीट किया। हम लोगों ने मिलकर इस ग्राउंड के लिए जो भी बना, जितनी लड़ाई लड़ी अपने सीनियरों का सहयोग लेकर, हमारे जूनियर्स थे और एक अच्छी क्रिकेट चाहते हैं, जो पवई से जिस दिन कोई बड़ा नाम रणजी तक जाएगा या उससे ऊपर जाएगा, इंडिया लेवल पे जाएगा, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरे पवई को सब कुछ मिल गया। बस मैं यही कामना के साथ, और भी इसके अलावा बहुत सारे गेम्स हैं, उन गेम्स में भी हमारे एमपी में और स्टेट इंडिया लेवल पे सभी लोगों सभी लेवल पर अगर सपोर्ट होता है हर गेम्स में, तो मेरे को लगेगा कि मेरी पवई उन्नति कर। कई प्रतिभाएँ उपाध्यक्ष जी जी ग्रामीणों क्षेत्रों पर छुपी हुई हैं और उनको प्लेटफार्म ना मिलने के कारण वो थोड़ी सामने नहीं आ पाती, आप इस विषय में क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे ग्रामीण अंचल पर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छुपी हैं जिनको हम मंच ना मिलने के कारण वो अपनी प्रतिभाएं नहीं दिखा पा रहे। ऐसी कोई भी प्रतिभा जो पैसे को लेकर या मंच को लेकर अगर कोई भी प्रतिभा ऐसी कोई बाकी है, तो इस बात को हम कमिटमेंट करते हैं कि उनको हम मंच भी देंगे, वो जो भी हमसे प्रोडक्शन बनेगा चाहे वो राशि से लेकर हो या उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो भी लगेगा वो हम सारी चीज़ों को मुहैया कराएंगे। ये मैं आपके माध्यम से और मंच के माध्यम से अपने साथी भाइयों के सहयोग से मैं उन तक वो सारी चीज़ें मुहैया कराने का वादा करता हूँ, देने की कामना करता हूँ और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज दोनों टीमें पवई और खरमोरा आमने सामने थी, जिसमें जीत खरमोरा ने हासिल की और लगभग आज आपने देखा कि पवई ने शायद टॉस जीतने के बाद अपने शोल्डर कुछ गिरा के रखे हुए थे, मैच जीतने की बात कहीं लगा ही नहीं। बहुत अच्छा था कि बीच में उन्होंने मैच को पकड़ के भी रखा, दो विकेट मिल गए थे, उसके बाद भी कुछ गलतियां की, लेकिन गलतियों से ही कुछ चीज़ें सुधार में आती हैं। अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए और हमारे जनता जनार्दन के बीच में एक फेस्टिवल होता है, दीपावली, दशहरा जैसे होता है, वैसे हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट होता है और सारे लोग सहयोग करते हैं इसमें। इस बार जो ये टूर्नामेंट हुआ बहुत बड़ा योगदान था स्वर्गीय दया शंकर लटोरिया जी की स्मृति में, ये टूर्नामेंट हुआ जिसमें उनके दोनों जैसा कि बताया ये मैदान, हालांकि मैं भी पवई एकादश का कप्तान रहा हूँ, इस तरह का मैदान हमें कभी खेलने को नहीं मिला पवई में और हम लोग तो जिससे खेल दिखते थे वहाँ पे मैदान बना के खेलते थे, फिर भी करीब एक दर्जन टूर्नामेंट हम लोगों ने जीते पवई के लिए और हमारे अच्छे खिलाड़ी अजय देव गुंडेला जी बैठे हैं, उनका क्रिकेट क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। खेल क्षेत्र में अभी जो वर्तमान में जो ग्राउंड की स्थिति है, रसूल खेल अकादमी, आदरणीय तरुण सिकरवाल जी और हमारे उपाध्यक्ष जी नगर परिषद, इनका स्कूल में पिछले 2-3 साल से अच्छा योगदान रहा है और विधायक जी ने भी अभी कुछ पैसा दिया है इस बाउंड्री में शायद, और 5 लाख रुपये उसका भी काम शायद जारी है और आगे भी आज घोषणा करेंगे मुझे लगता है सभी के बीच में। जोरदार तालियां बजाइए विधायक जी के लिए। और दोनों टीमों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप पर मां कलेरी का आशीर्वाद भी बना रहे हैं।
आप लोगों ने आज बहुत अच्छा खेला है, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। टूर्नामेंट खेला क्योंकि इतना शानदार टूर्नामेंट कहीं नहीं होता है, यहाँ पब्लिक का सपोर्ट वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों का ये था कि टॉस जीत के कम से कम अपन को 100, 120, 130 रनों का टारगेट देना है सामने वाली टीम को, क्योंकि सामने वाली टीम काफ़ी मजबूत है, हम लोगों ने खेला है उनके साथ, देखा है। और हमारी स्टार्टिंग थोड़ी सी खराब रही, पावर प्ले में रन नहीं बने, शुरू से विकेट गिरते गए हमारे हैं, और जितना टारगेट हम लोग चाहते थे उतना टारगेट नहीं बन पाया, हम लोगों के थोड़ी सी रन कम बने, और हम लोगों को बॉलिंग में भी स्टार्ट अच्छा मिल गया था, उसके बाद उन लोगों की पार्टनरशिप हो गई सिंगल डबल रोक के, और थोड़ी हम लोगों की फील्डिंग भी खराब रही, दो चार कैच मिस हुए, एक हमसे छूटा एक सामने छूटा, तीन चार कैच मिस हुए, तो इसलिए चेस हो गए रन। उस दौरान जब आप थोड़ा सा बीच में ऐसा टफ लगा मैच की लग रहा था आपको क्या कि उस मोड पर जा रहे हैं विजय की मोड पर? जी जब स्टार्ट में उनके दो विकेट गिर गए थे तो हम लोगों को लग रहा था कि मैच चेस इतनी जल्दी नहीं होगा, फंसेगा मैच, फंसाएंगे, और हो सकता है कि खरमुरा हार भी सकती है क्योंकि ऐसी कंडीशन आ गई थी वहाँ दो विकेट गिरने के बाद, बट उनके दो प्लेयरों ने मोहित सिंह ने क्या नाम है जय सिंह और मोहित सिंह काफ़ी अच्छा खेले, और बधाइयाँ हैं दोनों को, बहुत अच्छा खेले, छोटे भाई हैं साथ में खेलते हैं। और इस बार विजेता रहे, क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों को लगता नहीं था कि हम लोग टूर्नामेंट में यहाँ तक पहुँचेंगे इस बार, क्योंकि पहली बार हम लोगों को ऐसा हुआ कि बगैर प्रैक्टिस के, इस बार प्रैक्टिस भी नहीं हमारी टीम की, काफ़ी अच्छा खेला, सभी लड़कों ने मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे उप विजेता, हम लोग खुश है उप विजेता बन के भी, कोई दुखी नहीं। आप टीम में क्या भूमिका निभाते हैं? अब टीम में तो वैसे तो कैप्टन की भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 11 हैं सब कैप्टन रहते हैं वहाँ। आप अपना नाम बताएं। जीतन बुंदेला नाम है हमारा। ओके।